अलवर के भिवाड़ी क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होने लगे हैं और इसी के चलते पुलिस ने एक बार फिर खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने वन विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में संलिप्त डंपर, जेसीबी और बाइक सहित करीब आधा दर्जन वाहन जब्त कर लिए हैं और साथ ही 5 लोगों को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई भिवाड़ी DSP देवेंद्र सिंह और वन क्षेत्र किशनगढ़ बास रेंजर रमाकांत शर्मा के नेतृत्व में की गई है। कई दिनों से गंधोला क्षेत्र के अंदर अवैध खनन की सूचनाएं लगातार पुलिस को मिल रही थी, जिस पर श्रीमान SP साहब के निर्देशन में संयुक्त टीम ने कल रात से ही वहां पर दबिश दी। साथ में वन विभाग की टीम को भी साथ लिया गया। चूंकि मुलजिमान काफ़ी ज़्यादा थे और पुलिस की टीम को देख करके वो भागने लगे, पहाड़ों पर चढ़ गए और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने लगे। इस पर हमारे 2 पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई है। एक अन्य व्यक्ति सफ़ेद स्कॉर्पियो में एक व्यक्ति जो कि पुलिस के ऊपर फायरिंग जिसने की, तो पुलिस ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए 2 राउंड पंप एक्शन गन से फायर किए तथा भीड़ को तितर बितर किया। उसके बाद में वहां से 4 लोगों को डिटेन किया गया, 2 JCB, 1 डंपर, 1 स्कॉर्पियो और 2 मोटरसाइकिल वहाँ से पुलिस ने पकड़ी है। प्रकरण दर्ज